स्वागत है सर हमारे पेन वर्ल्ड शो अपनों की मुलाकात है पृथ्वीराज के साथ में। सर कैसे? सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप बॉलीवुड का बहुत बड़ा हस्ती हो, बहुत ही मतलब इतने बड़े डायरेक्टर हो, तो यहाँ पे आने के लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए बेसिकली मैंने बहुत ही कम उम्र से फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। मैं जब 18 बरस का था तब मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो जब मैं एज ए एडिटर मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब पता चला था कि एज ए एडिटर मैंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो किए थे, बहुत सीरियल्स की थी, लेकिन डायरेक्शन का पहले से अंदर से शौक था कि डायरेक्शन करना है। ये बचपन से आपका शौक था कि मुझे डायरेक्शन? पहले से ही शौक था, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए पता चला था उस टाइम पे कि एडिटर होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो मैंने पहले एडिटिंग का कोर्स किया, एडिटिंग सीखा मैंने, एडिटिंग में बहुत काम किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने रमन कुमार को ज्वाइन किया, तारा सीरियल किया था मैंने। फिर मैंने साउथ के एक डायरेक्टर है विजय रेड्डी, जिनकी तेरी मेहरबानी फिल्म थी, हाँ जी, हाँ जी सर, और नसीब अपना अपना, उनके साथ मैंने 3-4 प्रोजेक्ट किया। वहाँ से मुझे एक्चुअली पता चला कि डायरेक्शन क्या चीज़ होती है, डायरेक्शन क्या चीज़ होती है, और डायरेक्शन से ज़्यादा स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फिल्म में। बस उनके साथ सीखा। फिर मैंने मेरी पहली फिल्म 2000 में बनाई थी, जिसमें तो वहाँ पे वहाँ से कैसा आपका पहचान हुआ कि आप एडिटर थे, तो फिर आपने कैसा मतलब उनको अप्रोच किया कि सर मुझे कुछ डायरेक्शन करने का अपने पास? नहीं, मैं जिनके साथ पहले ज्वाइन किया था, रमन कुमार जी, हाँ, वो विजय रेड्डी जी की ही पहले चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। हाँ, तो रमन जी को मेरा काम बहुत पसंद आता था, तो हाँ, उन्होंने रिकमेंड की थी रेड्डी साहब को कि अगर आपको चाहिए असिस्टेंट या चीफ असिस्टेंट तो आप राजीव को लीजिए। तब मैं वहाँ पर ज्वाइन हुआ था। तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि आप इतने बड़े डायरेक्टर बनेंगे, मतलब अंदर से कैसा कॉन्फिडेंस था? क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बहुत तो फिल्में बनती है, बहुत सारे एडीज होते हैं और इतना बन नहीं पाते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि आज भी आप देखो कि बहुत सारे लोग एडीज है लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो आपने इस मुकाम को हासिल किया। क्योंकि कैसा आपका प्लान रहा, मतलब किस तरीके से आपने इसको अपने आप को मतलब ग्रो किए, मतलब सक्सेस किया, और कैसे आप बढ़ने की कोशिश की? देखिए मैंने कहा था ना कि मुझे डायरेक्टर बनना था, इसके लिए मैंने सबसे पहले एडिटिंग सीखा। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आप में होनी चाहिए था। मैंने बहुत ही कम उम्र में पहली फिल्म चालू कर दी थी मेरी। अच्छा, और 21 बरस की उम्र में मैंने पहली फिल्म मेरी चालू कर दी थी। मेरी पहली फिल्म में भी मैंने श्वेता मैंने ना और इनको लिया था, अमन वर्मा को लॉन्च किया था मैंने, एज ए हीरो लॉन्च किया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म में सोनू सूद को लॉन्च किया था, कोई है फिल्म का नाम ना, मिशन बॉम्बे नाम था फिल्म का। बस जर्नी चलती रही, लेकिन सक्सेस जो था वो पता नहीं था कि कैसे क्यों नहीं था। फिर पता चला कि मेरे पास एक कहानी थी, माय फ्रेंड गणेशा, जब मैंने काफी हिट पिक्चर रहा, बहुत सारे आपको अवार्ड मिला उस फिल्म के अंदर, तो ये आपके माइंड में कैसा आया कि मुझे इस तरीके से फिल्म बनाना चाहिए, या मतलब कोई रोमांस चुनता है, कोई ऐसा चुनता है, कोई एक्शन चुनता है, लेकिन आपका माइंड में जो था, आपका जो एक एनर्जी था, मतलब जो डिवाइन पावर जिसे हम कहा जाता है, कि आपको कैसा लगा कि अगर मैं ये फिल्म को अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मैं ऐसा एक बड़ा स्टेप लूंगा? मतलब देखिए वो सब जो थे वो गणेश जी ने करवाया। हाँ, वही डिवाइन पावर ही, डिवाइन पावर ही था। माय फ्रेंड गणेशा के पीछे बहुत हिस्ट्री है एक्चुअली। जब वो कोई भी प्रोड्यूसर उसे बनाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि सबको लगता था कि कॉम्पोजिट फिल्म कैसी होती, कॉम्पोजिट मतलब एक एनिमेशन कैरेक्टर बाकी सारे लाइव कैरेक्टर, वो आज तक लेकिन इंडिया में आज तक आया नहीं था। और मैं जिसको इस बात के लिए बोलता था वो सब कंफ्यूज हो जाते थे कि ये फिल्म बनेगी, तो सब बोलते थे, कोई बोलते सीरियल बना दो, कोई बोलते ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिल्म के लिए सब ना बोलते। लेकिन आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस था, ऊपर से पावर था कि आप मतलब बना पाएंगे। फिर वही गणेश जी की मेहरबानी, उन्होंने एक प्रोड्यूसर दिया था, तो कॉफी ब्रेक कंपनी का नाम था, जिनको मेरी बातों में कॉन्फिडेंस लगा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम 5 मिनट का बनाते हैं। अच्छा, आप 5 मिनट का मुझे थिएटर में प्रूफ कर दो कैसा है। तो मैंने उनको बना के दिखाया, वो बहुत खुश हो गए। वैसे वो फिल्म चालू हुई, और पता नहीं था कि वो फिल्म इतनी हिट हो जाएगी कि मतलब हजारों बार टेलीकास्ट हुए, काफी अवार्ड मिल चुके, और वो एक फिल्म एक हिस्ट्री हो गई कि इंडिया की पहली कॉम्पोजिट एनिमेशन थी। उसके बाद बहुत लोगों ने ऐसी फिल्म ट्राई किया बनाने के लिए, बना नहीं। हाँ, फिर मैंने पार्ट 2 भी मैंने बनाई, पार्ट 3 भी बनाई, पार्ट 4 भी हमने बनाई थी, लेकिन पार्ट 4 कोविड की वजह से हम रिलीज बरोबर नहीं कर पाए थे, तो हमने डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया उसको।
फिर वो जर्नी चलती रही, फिर मैंने वही जर्नी में फिर एक फिल्म बनाई थी मैं कृष्णा हूँ, जिसमें जूही चावला, ऋतिक रोशन और कैटरीना। काफी बड़ी फिल्म है सर, तो आप किस तरीके से अप्रोच किया, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप एक बड़ा डायरेक्टर बन चुके थे। हाँ, उस टाइम में उसकी भी, ऋतिक रोशन को लाना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि जूही जी के बच्चों की, मेरे जूही जी के जो बच्चे थे उन्हें माय फ्रेंड मिश्रा बहुत पसंद थी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने सबसे पहले जूही जी को अप्रोच किया, तो जूही जी ने खाली इतना सुना था कि माय फ्रेंड मनीषा का डायरेक्टर है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ओके बोल दिया था, कोई स्टोरी नहीं। फिर उन्होंने स्टोरी बाद में बुला के सुनी, लेकिन पहले उन्होंने, मतलब होता है ना कि बड़े आर्टिस्ट एक डायरेक्टर का सुन के ना बोलते थे कि इसने क्या किया, इसका बैकड्रॉप क्या है, ये वो। तो उन्होंने खाली इतनी सुनी थी कि माय फ्रेंड गणेशा का डायरेक्टर, और उनको इतना पता था कि उनके बच्चे खाते भी, सोते भी, उठते भी वो फिल्म देखते थे। तो उनको पता था कि ये फिल्म किसी ना किसी ने डायरेक्टर जो बनाई तो कमाल की बना दी, कि बच्चे लोगों ने छोड़ी नहीं है फिल्म। एक्चुअली ये मिलन होता है सर, एक्चुअली ऑटोमेटिकली है ना, ये जो पावर होता है ये दूसरे से मिलाते हैं, मतलब ऐसा है। तो फिर जूही जी को हमने पहला ऑन बोर्ड लिया, फिर जूही जी पूरी फिल्म में एज अ लीड थी। फिर दो स्टार कास्ट हम लेना चाह रहे थे इसमें, फिर अप्रोच किया, फिर जूही जी ने अप्रोच किया था, जूही जी ने बोला कि ऋतिक से बात करो, ऋतिक के लाइक करो ले। फिर हमने ऋतिक से बात की तो ऋतिक भी सुन के ओके बोल डाला, और उसे भी यही था कॉन्फिडेंस कि इसने माय फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्टों ने, सबने मेरी फिल्म देखी है। मैं जब ऋतिक के पास भी गया तो उसे भी पता था कि माय फ्रेंड गणेशा फिल्म का डायरेक्टर है, और कैटरीना तक को पता था, जबकि उस टाइम पे जब मैंने फिल्म की थी उस टाइम पे कैटरीना की इंग्लिश और हिंदी में वो था, हिंदी थोड़ी गड़बड़ थी, अभी तो बहुत अच्छा बड़ी एक्ट्रेस हो गई, बहुत पॉलिश हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे उनका प्रॉब्लम चल रहा था ये। तो उन्हें भी पता था कि ऐसी कोई फिल्म है माय फ्रेंड गणेशा, तो ऐसा धीरे धीरे सबको हमने कन्विंस किया, फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत अच्छे से चली, सैटेलाइट पे बहुत चली वो। फिर उसके बाद जर्नी चालू हुई, और अभी मेरी फिल्म है लव यू शंकर, वो रिलीज हो रही है, उसमें पहली बार शंकर भगवान आपको 8 साल की दिखेगी। अच्छा। और उसमें श्रेयस तलपड़ है, तनिषा मुखर्जी है, अभिमन्यू सिंह है, संजय मिश्रा है, हेमंत पांडे भी आप, मतलब इसमें पूरा अभी तो कम अवार्ड लिया, लेकिन ये इस पिक्चर में आपका पूरा घर भर जाएगा अवार्ड से। और ये फिल्म जो है ये पहली फिल्म थी जो कुवैत के पूरे प्रॉपर कुवैत के अंदर शूट हुई है। अच्छा। हमने बहुत इससे परमिशन ले लाके हमने पूरे बनारस में ना प्रोटोकॉल के साथ में 4-5 घाट को हमने लॉक कर दिया था। अच्छा। बस वो घाट के बाहर हमें जाना नहीं था, वो घाट के अंदर हमें आना नहीं था। हाँ जी। तो हमने उस फिल्म को हमने कंप्लीट कर दी, और अच्छी फिल्म अच्छी बन गई है। अभी आप महाशिवरात्रि में उसका आप ट्रेलर देखेंगे, पहला टीजर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग अप्रैल में जबकि वैकेशन होता है तब उसे रिलीज करेंगे। हाँ, तो उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में सर, 15 से 16 फिल्में बनाई आपने, रोमांटिक अलग अलग जो। हाँ, मैंने बहुत, मैंने हॉरर भी बनाई। हाँ। मैंने 3 मराठी फिल्म भी बनाई है, मैंने बीच में काफ़ी फिल्में बनाई है, लेकिन वो क्या बोलते ना कि एक आप लोगों के बीच में एक फेमस हो जाते बच्चों का डायरेक्टर, तो बच्चों की ज़्यादा फिल्मों के मुझे ऑफर आते हैं। हाँ। और अभी भी आते रहते हैं बच्चों की फिल्म बनाने के लिए, ये वो, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना। हाँ, क्योंकि क्या है, फिर पूरा परिवार देखता, परिवार भी होता है, और मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ फिल्म बनाना, ये वो। और अभी भी है 1-2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट है जो आप बहुत जल्दी उनका नाम सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, चलो हम दुआ करेंगे सर। आपने फिल्म बनाने के बाद फिर आपने सॉन्ग्स, काफी सॉन्ग्स बनाने लगे, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब म्यूजिक वीडियो जो मैं बनाता था, म्यूजिक वीडियो मेरे 100 के ऊपर हो गए, लेकिन म्यूजिक वीडियो मेरी हॉबी है। हाँ, क्योंकि जब पहले जो था वो कंटिन्यू फिल्म बनाते जाते थे, लेकिन उसके बीच में थोड़ा नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी जो चालू हुई थी ना एज अ डायरेक्टर म्यूजिक वीडियो से हुई थी। अच्छा, अभी तो आज तो काफी बड़े बड़े हिट म्यूजिक एल्बम्स। तो म्यूजिक वीडियो मैंने जब डायरेक्शन किया भी नहीं था फिल्म, उसके पहले भी मैंने 20-30 बना चुका था। फिर बीच में जब फिल्म चालू हुई तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा। लेकिन बीच बीच में मैं करता था, क्योंकि मेरी हॉबी थी म्यूजिक वीडियो बनाना। तो अभी जैसे कोविड आ गया तो थोड़ा सा मामला फिल्मों का थोड़ा सा रुक गया था, थिएटर के कारण रुक गया था, सब चक्कर में रुक गया था फिल्मों का। तो म्यूजिक वीडियो बहुत बन रहे थे, तो ऑफर्स आने लग गए वापस म्यूजिक वीडियो में। तो इन दिनों ही मैंने कम से कम 60-70 म्यूजिक वीडियो बना दिया,
तो म्यूजिक वीडियो हॉबी के हिसाब से बनाता हूँ और कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है कि एक 3 मिनट के अंदर एक कहानी बोल देना, वो अच्छा लगता है, इसके लिए किया था बस। तो ऐसा कोई हरकत है सर आप बचपन में, जब ऐसा कुछ फिल्म लाइन में या मतलब घर का बचपन में ऐसा कुछ एक था कि मतलब आप स्कूल गए होंगे, मतलब घर में मम्मी पापा भी अगर कोई बोलते होंगे कि आपको क्या बनना है, क्या करने का है, तो ऐसा कुछ घर में ऐसा कुछ डिस्कस होता था कि घर में बचपन में जब आप था स्कूल में जाते थे कुछ मतलब टपोरिया ऐसा कुछ करते थे ऐसा कुछ? देखिए बचपन से ना मुझे हथौड़ा मारने का बहुत शौक था। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक की चीजें तोड़ तोड़ के बनाने का बहुत शौक था, तो घर वाले हमेशा यही सोचते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक डिप्लोमा भी किया था। अच्छा। लेकिन बोलते ना कि किस्मत, डेस्टिनी, आपको डेस्टिनी मुझे यहाँ से यहाँ खींच के लेके आ गई। और शौक तो पहले से था, आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्टों को देखने का, शूटिंगों में जाने का, ये सब बहुत पहले से शौक था। आज आर्टिस्ट को आप काम देते हो, मतलब उनको डायरेक्शन करते हो, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो है बस सब गणेश जी की मेहरबानी है, जो भी है आज उनकी ही सब तरह से। अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आने वाला है सर? अपकमिंग मेरी एक तो लव यू शंकर रिलीज है मेरी फिल्म, ये वो जी। उसके अलावा मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ रॉकेट रानी, जी वो है। और उसके अलावा दो बहुत बड़ी फिल्म है, उसका अनाउंसमेंट आएगा बहुत जल्दी। जी, तो है दो चार प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। चलो ठीक है सर, हमारे शो में आने के लिए पेन वर्ल्ड शॉप की मुलाकात है सर पृथ्वीराज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।